हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू व्लॉग। और इतने दिनों से ये सभी टेक्सचर प्रिपेयर पड़े थे, सो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इनकी कैसी मतलब वीडियो शूट करूँ। मतलब जैसी कोई आपकी रिक्वेस्ट है ना, सो प्लीज़ मुझे बताइए। वैसे दो दिनों से तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी। जब लास्ट टाइम की थी ना, तभी 8 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, सब वही डाल रही हूँ मैं। कुछ मैं मैशअप करके डालती हूँ कुछ पुरानी वीडियोस को, और वैसे तो नई रहती हैं, ठीक है। नई तो ज़रूरी होती है, एक दो तो ज़रूरी होती है। आज थी नहीं मेरे पास, एक ही डाले न्यू। और मैंने एक अपना चैनल, मेरा सेकंड चैनल है स्पीडी एसएमआर, उस पर भी बहुत, जिनको ना मेरी स्पीड में वीडियो अच्छी लगती है क्रम्बलिंग, सो वो स्पीड में देख सकते हैं उसको वहाँ पर जाके। और मंदिर में भजन बजने एज यूजुअल, तो इस वजह से भी नहीं करी, वरना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बिल्कुल शोर नहीं है। सिर्फ मंदिर में भजन बजने, इस वजह से थोड़ा सा शोर है। सो ये देखिए, रेड डर्ट के सिलेंड्रिकल्स बना रखे हैं। इसकी आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है ना कि इस टेक्सचर की मैं कैसे, जैसे ब्लैक ग्रेनी है, ये सुपर डस्टी है, इसकी मैं फॉर्मी वाटर में ग्रम्बलिंग करूँ, इसकी थर्माकोल में करूँ, या फिर वो बॉक्स में करूँ जो एक बॉक्स है, ठीक है, या ड्राई करूं फ्लोर करूं, तो देख लीजिए आप सभी। और फिर मेरे को ज़रूर बताना कि कैसी मेरे को बनानी है। ये देख लीजिए, ये येलो डर्ट है, सॉरी येलो डर्ट कह रही हूँ, येलो सैंड, प्योर सैंड, येलो ब्लॉक और प्योर सैंड सीमेंट, ग्रिटी सैंड सीमेंट, सिलेंड्रिकल, वाइट सिलेंड्रिकल, वाइट सैंड, ब्लू सैंड। इसका ना कलर नहीं दिख रहा, वरना ब्लू सैंड, वाइट सैंड का और उस वाइट का बहुत अच्छा कलर है। मिक्स एंड इसका भी नहीं दिख रहा, इसका भी इतना प्यारा कलर है। ब्लैक ग्रेनी, रेड डर्ट, तो ब्राउन डर्ट लग गया है, रेड डर्ट, ठीक है। सो आप अच्छे से देख लीजिए, और आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। वैसे दो तीन रिक्वेस्ट तो आई हुई हैं, सो जब इनकी, जैसे एक येलो ब्लॉक की आई हुई है और एक वाइट सीमेंट, गाइस वाइट सीमेंट की भी आ रही है। सो मैं ना देखिए थोड़ा सा ही आई है, ठीक है, और ये तो मैं तो या तो इनको इस वाले को वाइट ग्रिटी जो ये पिलर्स है ना, इसमें ऐड करूँगी, या जो वाइट वो है ना वाइट सैंड, इसमें ऐड करूँगी, या मैं सोची उसको आधा आधा ऐड कर दूँ, है ना। और इतना रेता पता नहीं कहाँ से आता है, हर दूसरे तीसरे दिन मैं झाड़ू लगाती हूँ और इतना इतना रेता निकलता है छत से, कि देखो कितना वाइट है और ऊपर से काला हुआ पड़ा है, है ना, ऊपर से इतना काला सा हुआ पड़ा है धूल में आके। इसको तो देखिए, इसके ना ये बन गया, इसमें हार्ड हो गया क्योंकि बारिश पड़ रही, जैसे मैं पानी भरती हूँ ना तो छिड़काव करती रहती हूँ पूरी छत पे, तो इस पर भी डल गया होगा, इसलिए इसमें बन गया है, ठीक है। तो आप बताना मैं किस में ऐड करूँ, या दोनों में ऐड करूँ, ठीक है। और एक न्यू सेटअप जो मैंने उसकी बताई थी ना, उसकी अगर जो आपको कोई चाहिए मिनी शेप, तो उसकी भी बताना। वैसे एक दो तीन चार इसकी तो नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, मतलब उस पर रखने के लिए। फिर ना डस्टी मैं ना बिल्कुल छोटी छोटी शेप्स की उस पर करती हूँ, जो मेरा न्यू सेटअप है उस पर, ताकि डस्टी ना हो। इतनी छोटी, इतनी बड़ी भी नहीं मैं करती, ठीक है, ताकि डस्टी बहुत हो जाता है, इतना सारा टेक्स मुझे लगता है हवा में ही ख़राब हो जाता है। और है ना, जो ना मैंने इनमें सैंड डाला था ना, रेड डर्ट में और येलो सैंड में, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, पर नहीं जी, अगर जो आज भी ये ऐसे ही हैं, इनको हद से ज़्यादा धूप, मतलब दो दिन की धूप मिल जाए ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं। पर ये मैंने बहुत सॉफ्ट बनाई हैं, इतनी सारी, मतलब जब तो इसमें ना टेक्सचर में पूरे मैंने एक मग्गा पानी का डाला, एक ही आता, तब ये इतनी। और परसों बनाई थी मैंने, परसों शायद उससे भी पिछले दिन, पर ये अभी भी बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। ये पता है क्या, मैं जो थोड़ा सा टेक्सचर पर जाता ना, उसकी छोटी छोटी शेप बना देती हूँ, फिर उसको आके ग्रम्बल कर देती हूँ, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, और तो कहीं नहीं है, एक वहाँ पे भी है। और ना जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था ना प्योर सैंड का, जो मेरा पुराना ग्रिटी सैंड सीमेंट था, उसमें मैंने और रीयूज सीमेंट डाला था, ये वो है इसके ना, ये चंक्स, इसमें ग्रिटीनेस नहीं है, कितने प्यारे चंक्स लग रहे हैं ना। और ये देखिए,
और ये बिल्कुल सॉफ्ट वाला, इतने सॉफ्ट हैं लिटरली हैं। और ये देखिए, इसको मैंने बहुत ग्रीटी रखा है ना। और ये देखिए कितने प्यारे हैं। इतना मन कर रहा है ना कि वीडियो बना लूँ, पर इतना शोर है ना ये ना। अब ना आपको पता गर्मी है ना, 4:30 बजे तक भी ना धूप रहती है, पर इस एरिया में नहीं। मैं टब रख के अच्छे से अपनी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है, पर मेरा मन ही नहीं करता। इतनी गर्मी होती है ना लिटरली, इतनी गर्मी, ऊपर से फेस कवर करना, ठीक है, एक तो गर्मी, ऊपर से फेस कवर करना पड़ता है और फिर ऊपर से पसीने आते, इतना चिपचिप लगता है ना। सो मैं थोड़ी लेट आती हूँ, और 5 बजे मंदिर में भजन, आधे घंटे में इतनी जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करती हूँ ना मैं, है ना। और प्लीज़ कोई भी आपकी, मेरे ना व्यूज़ बिल्कुल ही घटते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बहुत दूर की बात है, मेरे तो व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे भाई। वही इतनी एक मतलब वीडियो पे ना कोई भी ऐसे मारे ना, उसके ना अगर जो उसकी 10 मिनट की वीडियो होगी ना या 5 मिनट की, उसके पक्का मेरे को लगता है अगर जो शोर होता होगा या कोई प्रॉब्लम है ना, उसके आधा घंटा तो पक्का ही जाते होंगे। आधे घंटे में ना कह लो एक वीडियो शूट होती होगी, ठीक है, जैसे कभी शोर की वजह से। मेरे तो सड़क के पास है, अगर मैं छोटा मोटा जो होता है उसको तो मैं नहीं करती फिर, मतलब जैसे थोड़ी सी आवाज़ आई है ना, सो उसको तो मैं फिर करती रहती हूँ, पर अगर जो बहुत ज़ोर से आती है फिर मेरे को रुकना पड़ता है जो लगातार, क्योंकि यहाँ पे ट्रक भी आता है और वो लगातार हॉर्न देते रहते हैं ना, तो उसको मैं कर देती हूँ और मंदिर में भजन बजाती है। और फिर मैं बार बार चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत है, अपने आप ही वीडियो बंद हो जाएगी मेरी ना। कम से कम ना 20-25 से भी ज़्यादा वीडियो ना ऐसी ही बर्बाद गई है, 20-25 नहीं 50 में आराम से कह सकती हूँ, कम से कम कह रही हूँ, 50 से कम मैं कह रही हूँ, मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा, सिर्फ फ़ोन की वजह से। अब मैं फ़ोन को चेंज नहीं कर सकती, इसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब टेक्सचर की जो असली लुक है ना, ये येलो ना, ये येलो सैंड है, ये इतना येलो है ना, और देखो बिल्कुल पता नहीं ऐसा लग रहा सैंड सीमेंट है, प्योर सैंड का सही आ रहा है, येलो ब्लॉक का भी नहीं आ रहा है ना। इतनी परेशान हूँ ना मैं कि मेरे टेक्सचर का इतना प्यारा कलर है, ब्लू सैंड का ना इतना डार्क, इतना प्यारा कलर है ना, वो भी नहीं आ रहा है ना। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, है ना। मैं मतलब हर एक मेहनत करता है, और कोई अगर जो मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पा रही उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पर हाँ अब भी देख लो, अब भी मेरे को मैं कोई बहाना नहीं दूँ। जैसे मान लो मैंने आपकी कोई रिक्वेस्ट पूरी नहीं करी तो मैं बहाना मार देती हूँ, हर कोई ऐसे करता ही होगा वैसे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर अभी आप देख लो पूरी रूफ फुल ऑफ टेक्सचर है, एक टेक्सचर भी ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर ना हो। ये रेड सैंड है, इसको तो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, जो एक और टेक्सचर बना रही हूँ उसमें कम से कम महीनों से गा रही हूँ, पर इतनी आलसी हूँ ना, वो नीचे बना हुआ रखा है, बस उसका ट्यूटोरियल दे के ऊपर ला के उसका ट्यूटोरियल बना के फिर उसकी ऐसे लगाना है। इतना सारा मैंने वो बना के ईंट को पीस के रख रखा है, पर ला ही नहीं पा रही, टाइम ही नहीं मिल रहा। टाइम मिल रहा भी है ना तो मैं ऐसे ही आती हूँ, खेलती हूँ, तोड़ती हूँ और चली जाती हूँ, ठीक है। सो बाकी एक भी टेक्सचर ऐसा नहीं है जो प्रिपेयर ना हो, और आप देख सकते हैं आपको अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है अगर जो मैंने नहीं बनाई। सो प्लीज़ आपको कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो ज़रूर करो, ठीक है, मैं अब ज़रूर पूरा करूँगी, ठीक है। सो आज नहीं मैं वीडियो बना रही, और इस ब्लॉग को मैं आज ही डाल दूँगी, आप जल्दी जल्दी रिक्वेस्ट करना प्लीज़ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, है ना। अब देखो ऐसे मैं ना वीडियो तो मेरे को लगता है अच्छी होती होंगी, बिल्कुल अच्छी वीडियो ट्राई तो करती हूँ मैं बनाने को, पर पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं पसंद आ रही। तो मैं सोचूं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ, ये मैंने पूरी बना रखी है, आपको जो पसंद आए, जिसकी जैसी क्रम्बलिंग चाहिए आप ज़रूर बताओ, और मैं वही करूँगी, ठीक है, जो आपको पसंद हो, ठीक है। सभी टेक्सचर का एक जैसा रंग दिख रहा है, या तो फिर ये मौसम ऐसा हो रहा है ना, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ देखो, यहाँ पे इतनी गंदगी हुई पड़ी है ना, रोज़ झाड़ू मारती, पता नहीं इतना रेता आता कहाँ से है, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा। देखना कितना रेता हुआ पड़ा है पूरी छत पे, कोने कोने में होता है, बीच में नहीं होता, कोने कोने में होता है, पता नहीं मेरे को कहाँ से। फिर मैं तो झाड़ू मारती हूँ उसको अच्छे से, बड़ी शिफ्टर से शिफ्ट किया, फिर छोटी वाली शिफ्टर से, और फिर अपना ही किसी भी सैंड में मिला देती हूँ। जैसे ना जब मैं इसकी लास्ट टाइम सिलेंड्रिकल शेप बनाई थी ना,
वो ना हार्ड हो गया था, मतलब गीला था तो मुझे पता था हार्ड हो जाएगा, तो मैंने वो ऐड कर लिया, देखो है ना। और ना ये ना गेहूँ कट रही है ना अब, सो ये उड़ उड़ के देखना कितने आते हैं। मैंने एक बाउल रखा था, उसमें डालती थी मैं ये सारे, पता नहीं कहाँ गया, देखना। वैसे तो मुझे ऐसा कभी नहीं होगा, पर पता नहीं अब क्यों रहा। डिज़ाइन भी देखो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा, एक तो मुझे शेप भी लेनी है, देखना कितना सॉफ्ट है, कितना सॉफ्ट। ठीक है, एक तो शोर बहुत हो रहा है, वरना मैं बहुत मन करे कोई ना कोई वीडियो शूट कर लूँ। ठीक है, सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी, और जो भी आपका मन करे, जिसकी जैसे फोमी वाटर में क्रमलिंग चाहिए, ड्राई चाहिए वाटर फ्लोर शीट पे, या फिर एक और तरह की मैं लाऊंगी, प्लीज़ मेरे को सजेशन दीजिए, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके बाय।